नमस्कार दोस्तों, फिन निफ्टी एनालिसिस की इस वीडियो में मैं सीवन पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिन निफ्टी ने एक्सपायरी था, एक बहुत अच्छा बुल्स पावर देखने को मिला। कल के लो को ब्रेक करके नीचे गए और वहां से बुल्स वापस पावर में है। एक अच्छा, बहुत अच्छा बुल रन दिखाया और इनफैक्ट उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल जो था 19,560 उसको भी ब्रेक करके, सॉरी 19,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसको भी ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज देने में बुल्स आज कामयाब हुए। तो चलिए देखते हैं कि कल क्या बुल रन कंटिन्यू रहेगा या तो ये बुल रन का एक आखिरी पड़ाव था जो हमें यहाँ पे आज देखने को मिला। चलिए मार्किंग करना शुरू करते हैं लेवल को, मेरे साथ रहना। सबसे पहले आज के दिन का जो हाई बना दैट इज 19,586, तो इस लेवल को मैं मार्क करता हूँ। आज का जो क्लोज बना दैट इज 560, क्लोज को मैं अलग से मार्क नहीं करता हूँ क्योंकि हाई ये 586, सिर्फ 26 पॉइंट का डिफरेंस है, तो वापस वहां पर मार्क करने कोई मतलब नहीं बनता है। आज का जो लो बना है दैट इज 19,356, सो इस लेवल को यहां मैं मार्क कर देता हूँ 19,356 के लेवल को। और अब गए चले जाते हैं अर्ली चार्ट के अंदर और देखते हैं कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हमें यहाँ पे नजर आते हैं। सो अगर आज के क्लोज से कल फिर निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो पहला कैंडल भी दिखा रही है। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, कैंडल मेरी कह रही है। ये दो कैंडल का लो ऑलमोस्ट सिंपल है और जब हमने उस लेवल के आसपास लेवल मार्क किया तो हमें पता चला वो लेवल बन रहा है 19,506। मतलब आप यूं समझ लो कि 19,500 के बिग राउंड नंबर की बात चल रही है, राइट। सो अगर कल 19,500 का लेवल ब्रेक करता है फिन निफ्टी तो फिर अगला टारगेट जो मैं देखूंगा वो होगा 19,425। उसके बाद आज का लो विच इज 19,363 और अगर माय डियर 3633 भी ब्रेक करता है तो फिर हम 295 तक के टारगेट यहाँ पे देखते हुए नजर आ रहेंगे। सो यहाँ पे मैं अपनी एनालिसिस को डाउनसाइड की तरफ स्टॉप करूंगा क्योंकि 560 पे क्लोज आया है। 295 सफिशिएंट रेंज फॉर फिन निफ्टी। अगर ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है तो पहला जो एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है इट इज 19,666। ओके 19,666, उसके बाद 19,735 के लेवल को मैं कंसिडर करूंगा क्योंकि वहां पे एक अच्छा सा स्विंग हाई बना हुआ है। कहां पे बना हुआ है तो ये मेरा कर्सर देखिए, उसके हाई का जो लेवल है दैट इज 19,735। अगर 19,735 ब्रेक करेगा तो फिर हम ये लेवल को ध्यान में रख सकते हैं 19,780। देखो लॉजिक समझाता हूं, लॉजिक ये है कि पास्ट में आप देखिए ये 781 लेवल के आसपास मेरी एक्सट्रीम राइट लेफ्ट में देखिए कितने सारी कैंडल्स सेम जगह पे क्लोज दिए। सो दैट इज द लिक्विडिटी एरिया, वहां पे फिर निफ्टी वहां से रिवर्स हो सकता है। और उसके बाद अगला टारगेट जो मेरा रहेगा वो होगा 19,853 के आसपास। तो फिर निफ्टी में यहां तक के लेवल में प्लान कर रहा हूँ, 560 क्लोज आया है, हमने ऊपर 853 तक का मतलब कि वहां पे भी 200 पॉइंट्स का प्रोविजन हमने ऊपर की साइड रखा है। एक बात जरूर बताऊंगा कि फिन निफ्टी में ट्रेड तो ही करे अगर वो आपके लेवल, इनफैक्ट नॉट ओनली फिन निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी आप कुछ भी ट्रेड करते हो, ट्रेड तभी ले जब वो आपके लेवल के आसपास आए, वो आपका सेटअप में कंफर्मेशन करे और आपके रिस्क रिवॉर्ड को कंफर्म करे। जब ये तीनों बातें टिक हो, नंबर वन आपके लेवल के आसपास आए, नंबर टू आपके सेटअप के हिसाब से ट्रेड बने और नंबर थ्री वो ट्रेड छोटा स्टॉप लॉस के साथ बने, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस लेके फिर वो रिस्क मैनेजमेंट के अगेंस्ट खेल चला जाएगा, ऐसा ट्रेड में करना नहीं है। जब ये तीनों बातें डन हो तभी ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली अच्छे ट्रेडर बनोगे, भले कम ट्रेड लोगे। जैसे मैंने आज के दिन कोई ट्रेड नहीं लिया, कल तो चलो मैं ट्रैवल कर रहा था, फ्राइडे कोई ट्रेड नहीं लिया, सो कम ट्रेड करेंगे बट कोशिश करेंगे कि अच्छे ट्रेड ले, क्वालिटी ट्रेड ले और इस तरह से हमारी ट्रेडिंग जर्नी को आगे ले जाएंगे। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी तो प्लीज टाइप पावरफुल इन द कमेंट बॉक्स और मैं आपको मिलूंगा कल नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।